अच्छा ओके बच्चा, चलो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो लास्ट क्लास कुछ होमवर्क मैंने नहीं दिया था ना, बिकॉज वी वर फॉर्मिंग आवर ग्रुप, और फिर मैं ग्रुप में भेजा नहीं मैंने, एम आई करेक्ट? यस सर। आई डिडंट सेंड यू होमवर्क ना देन? यस, नहीं भेजा सर। नो होमवर्क सर। तो याद नहीं दिला सकते थे नालायक हो। यू शुड हैव रिमाइंडेड मी ग्रुप बनने के बाद सर कि इज देयर एनी होमवर्क और समथिंग। व्हाई डिडंट यू रिमाइंड मी? याद आया पर। याद आया था फिर सोचा छोड़ो, अरे आराम से। अरे एक वीक तो मिलना चाहिए। बट बच्चे हाँ ठीक है, मैं अब थोड़ा बोर्ड आउट का प्रेशर भी आ गया, बट 10 क्वेश्चन तो यार वीक में कर सकते हैं होमवर्क प्रैक्टिस शीट की। बताओ 10 क्वेश्चन ज्यादा है क्या यार? नहीं सर। और 10 क्वेश्चंस मींस हाफ आवर, 45 मिनट्स, उतना भी नहीं करोगे पूरे वीक में, बोलो तो फिर क्या नेक्स्ट क्लास का मोमेंटम नहीं बन पाता है, क्योंकि तुम गलतियां करते हो फिर, एंड देन क्लास में टाइम ज्यादा लगता है। डू अंडरस्टैंड? यस सर। सो आई विल नॉट गिव यू होमवर्क, बट 10 क्वेश्चन तो दूंगा, उतना तो करके आना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन ही तो होते हैं यार हाफ आवर, उतना तो अंबानी के पास भी टाइम है तो तुम्हारे पास तो हो गई, करेक्ट? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अभी रिवाइज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, 30 मिनट्स का मान लो। सो वी वर डिस्कसिंग वेवी कर्व मेथड, आई होप यू हैव रिवाइज द नोट्स एंड कम, उतना तो करा है? हां सर। तो वेवी कर्व मेथड को एक बार वापस रिवाइज करते हैं, देन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। तो वेवी कर्व मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व इनइक्वालिटीज ऑफ अ पॉलीनोमियल, नॉट ओनली फॉर क्वाड्रेटिक, एग्री करो? हमने क्यूबिक के लिए भी देखा था, फोर्थ पावर के लिए भी देखा था। But you must have been told कि तुम्हें दो लेक्चर आपको देख के आने हैं recording, because you guys insisted. Given anything. So that is the problem and that is the fault of the person who was communicating to you. पहली बात तो देखो, पहली बार बच्ची मैं clear कर देता हूँ, you will be able to understand all the things. मतलब उसमें देखो कोई issue नहीं आए. Is that clear? Okay sir. हाँ, you will be able to catch up. But obviously it would have been far better if you would have seen the two lecture recording and come. क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे 90% समझ में आएगा, 10% कुछ रह जाएगा। बट मैंने बोला था जिस पर्सन ने तुमसे कम्युनिकेट किया, who was communicating with you, नीपा मैम? Yes sir। हाँ, तो I told her, वो या तो भूल गई मैम, होता है कभी कभार। I told her कि तुम्हें दो लेक्चर की रिकॉर्डिंग देनी है, वो तुम देख के आओगे, बिकॉज some of you insisted कि तुम्हें फ्लैगशिप में थोड़ा आगे बढ़ना है उस तरीके से। सो आई टोल्ड देम कि दो लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख के आनी है, बट कोई बात नहीं, इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो लेसन क्लोज ली, ओके? ओके सर। हाँ, एंड ट्राई टू कैच अप, कुछ अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना उसी, बट प्रॉमिस कर कि नेक्स्ट क्लास में दो लेक्चर के नोट्स को कंप्लीट करके आएगी। यस। हाँ, अदर्स आल्सो लिसन जो इसके साथ हैं। यस। बाकी क्या बॉयज नहीं है, सिर्फ दो लड़कियां आई हूं? यस सर, प्रॉमिस। यस सर। हाँ हाँ बच्चे, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो यार, और क्या बोलना है बोल। नाम सर, आपको मैथ्स ग्रुप का वो लिंक भेज सकते हो क्या, फ्लैगशिप 3 के ग्रुप में, क्योंकि सर मैंने भी ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, ये इतना इसने अच्छा बोल दिया, तो अब सुन लो, सबको मैथ का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, वो जिसमें तुम मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाओगे, क्योंकि दूसरे ग्रुप का मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप होते हैं बच्चों, है ना, आई अननेसेसरी गेट कंफ्यूज, तो मैं सिर्फ अपने मैथ का ग्रुप देखता हूँ। पर्सनल मैसेजेस भी मत लोगों ग्रुप पे लिखा करो अगर मुझसे कुछ भी कम्युनिकेट करना हो, सो दैट आई नो कि तुम 10th क्लास के बच्चे हो, अदरवाइज तुम मुझसे पर्सनल पूछते हो, डिटेल्स नहीं लिखते हो, फिर मैं समझता हूँ 12th क्लास का बच्चा है या 11th क्लास का है, फिर मैं झाड़ देता हूँ, समझ गए ना? तो ऑलवेज ट्राई टू प्रिफर टू राइट ऑन द ग्रुप, ठीक है? हाँ, तो अब इस ग्रुप के लिंक की बात कर रहा था मैं, तो इस ग्रुप का लिंक सबको ज्वाइन कर लेना है, मैंने बार बार ग्रुप भेज दिया है, बट ये फ्लैगशिप बैच ये 3 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं वापस एक बार भिजवा दूंगा, क्लियर? तो जो नालायक आज प्रेजेंट है, उन्होंने भी किसी ने ज्वाइन नहीं करा, तो आज ही अपने सेंटर मैनेजर के हेल्प के थ्रू या फिर मुझे पर्सनल मैसेज भेज के
मेरा नंबर ये लिख लेना, आज के आज ही ज्वाइन कर लेना, उसके बाद मैं लिंक को रिवोक कर दूंगा। तो कोई बोले मम्मी पापा बोलेंगे तुम्हारे, तो भी मैं ज्वाइन नहीं करने दूंगा, क्योंकि यू आर टू केयरलेस टू ज्वाइन अर्ली। एम आई क्लियर इनफ? यस। ये मेरा नंबर है, बट मेरे से बाद में करना, क्योंकि तुम सोचो अगर 50 बच्चे मुझे इंडिविजुअल मैसेज भेजेंगे तो मैं 50 को लिंक फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। यू गॉट द आइडिया? यस सर। तो अपने पहले सेंटर मैनेजर के थ्रू वहां लिंक को दो, अगर वो शाम तक नहीं भेजते तो फिर मुझे भेजना, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल देम अगेन टू सेंड यू द लिंक। क्लियर एवरीवन? एंड दिस ग्रुप इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स, नॉट फॉर पेरेंट्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। क्यों? क्योंकि इसका पर्पस अलग है। इसका पर्पस है कि बच्चे मुझसे कम्युनिकेट कर पाए, कोई डाउट पूछना हो, कोई कम्युनिकेशन कि सर हमारा लेक्चर इस टाइम पे है, क्या है सर वो असाइनमेंट आपने भेजा नहीं, या असाइनमेंट में ऐसा डाउट है, ऐसा कुछ भी कम्युनिकेशन। सो ओनली स्टूडेंट्स हैव टू ज्वाइन। इफ यू डोंट हैव योर मोबाइल और व्हाटएवर, देन यू कैन ज्वाइन विद योर पेरेंट्स नंबर, बट यू विल ओनली कम्युनिकेट। इज दैट क्लियर? यस सर। और कुछ बिफोर आई कंटिन्यू? चलो भाई, तो वीवी का मेथड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए यूज आता है बच्चों। जैसे ये है, देखो एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, सी फॉर योरसेल्फ। अरे ये इरेजर क्यों नहीं चल रहा है? ओके, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो इसके स्टेप्स क्या रहते हैं, देखो यहाँ पे स्टेप वन इज फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, तो ये देखो फैक्टराइज हो गया। स्टेप टू, मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। अब सवाल पैदा होता है, हु आर क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते कैसे हैं, हु आर दे, तो यही सब हमने डिस्कस किया था। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनके अक्रॉस इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। इसका ये मतलब है, इस प्लस का मतलब है, इफ आई टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स, देखो लिखा हुआ है, इफ आई टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स 4 से बड़ी, 5, 5.6, 6.2, 100, 1000, then this into this will always be, bacho repeat, will always be positive. देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में लिखा था कि x को 5 रखा तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। तो यस, इस प्लस साइन का यही मतलब है कि 4 से बड़ा कुछ भी रखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड का साइन पॉजिटिव होगा। देन इस माइनस का ये मतलब है कि अगर x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में रखोगे तो लेफ्ट साइड का साइन नेगेटिव होगा, वो रख के चेक कर सकते हो। तो कैन आई से 4 के अक्रॉस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ एवरीवन? यस सर। यस सर। 4 के राइट में पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव था, बट 4 के लेफ्ट में पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, दैट इज ओवरऑल नेगेटिव हो गया, तो साइन चेंज हुआ, इसलिए 4 एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्या ये सब नए बच्चों को भी क्लियर है व्हाई 4 इज अ क्रिटिकल पॉइंट? Yes, sir. Yes. बट ये तो सोचने की बात है, ये पहली बार हम डिस्कस करें उसके लिए, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से नहीं करना। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालने हैं, हर फैक्टर को दिमाग में इक्वल टू जीरो करो। एक्स कितना आया बच्चों, 4, तो 4 को मार्क कर देना है। इस फैक्टर को इक्वल टू जीरो करा, एक्स कितना आया 1, तो 1 को मार्क कर देना है। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. तो 1 एंड 4 आर द क्रिटिकल पॉइंट, मार्क क्रिटिकल पॉइंट कर लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन है, दोज एक्स वैल्यूज अक्रॉस विच इनइक्वालिटी साइन चेंजेस आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर दिस एग्जांपल 1 एंड 4। स्टेप 3, नहीं अब क्या, बस क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालने हैं, पुट एवरी फैक्टर इक्वल टू 0, जैसे इसको 0 करोगे तो 2 आएगा, इसको 0 करोगे तो -3 आएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। स्टेप 3, अभी तक हमने यही किया था याद करो, बस 1 एंड 4 मार्क किया है, दैट्स इट। अब प्लस साइन राइट मोस्ट रीजन में मार्क करना है, इसका मैंने रीजन तुम्हें समझा दिया। सिंस 4 क्रिटिकल पॉइंट है तो उसके अक्रॉस साइन चेंज होगा माइनस। अब वापस 1 क्रिटिकल पॉइंट है तो माइनस का वापस साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस। बिल्कुल क्लियर? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन को हमने देखा, क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज, कम ऑन, पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है, हमने ये सर्कल कर दिया, देखो ये रहा। तो ये वाला रीजन कौन सा है, 1 से छोटा क्या कहलाता है, माइनस इंफिनिटी से 1। देन 4 से बड़ा,
फोर से बड़ा क्या कहलाता है, फोर टू इन्फिनिटी, बीच में यूनियन, ये मैं पहले फर्स्ट सेकंड लेक्चर में समझा चुका हूँ ये सब नोटेशन, तो जो नए हैं उनको ये सब देखना पड़ेगा। मैंने बोला था 5-10% तो ऐसा रहेगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड, बट फॉर मोर क्लियरिटी यू हैव टू सी दोज लेक्चर। इज दैट क्लियर न्यू बच्चे? यस सर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से वन, यूनियन फोर से इन्फिनिटी। किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। देखो एक और एग्जांपल करते हैं, x square plus 4x square minus 5, step 1 याद है क्या था? Factorize, ये factorize कर दिए। Step 2 क्या था? नए बच्चे बताओ, what was step 2? Mark critical point. तो इसके कारण critical point minus 5, इसके कारण critical point 1। यहाँ तक मेरे साथ हो everyone? Yes sir. Yes. Yes sir. Step 3, अब सोचना नहीं है, बिना सोचे समझे right most region में कौन सा sign लिखना है? Plus. और फिर हर रीजन में साइन चेंज होगा, तो प्लस के कारण माइनस, माइनस के कारण प्लस, फिर अब कौन सा साइन सिलेक्ट करना है? अब देखो वो पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड कब नेगेटिव है, यही बोल रहा है ना, लेफ्ट साइड कब नेगेटिव है? यस यस सर। तो बस नेगेटिव वाले रीजन को सर्कल कर दो, क्योंकि वो आंसर में लिखने वाले हो, तो सर्कल कर दिया। माइनस फाइव से वन ओपन इसलिए क्योंकि लेस देन जीरो है, लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं है। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो सब पुराने बच्चों बताओ ब्रैकेट्स कैसा आता? क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज आता। पर अभी क्वेश्चन ऐसा है इसलिए ओपन ब्रैकेट्स। इज एवरीवन क्लियर? यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और रिवाइज करते हैं। मान लो ये देखो तीन फैक्टर का है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही रहेगा। देखो सबसे पहले क्या मार्क करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, इसके कारण वन, इसके कारण माइनस टू, इसके कारण थ्री। राइट मोस्ट रीजन में बिना सोचे समझे क्या मार्क करते हैं? प्लस। प्लस फिर हर जगह साइन क्या करते हैं? माइनस। माइनस। और कौन सा साइन सेलेक्ट करना है? पॉजिटिव। प्लस। तो देखो पहला रीजन कहां से कहा था कि माइनस टू से वन देखो, और क्लोज ब्रैकेट क्यों? क्योंकि इक्वेलिटी का साइन है, करेक्ट ना? यस सर। यूनियन कौन सा ब्रैकेट है? थ्री से इन्फिनिटी। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? यस सर। अच्छा ये भी समझा दिया था ना मैंने, लक्ष्य दे है, नाम का बच्चा नेक्स्ट टाइम डिस्टर्ब कर दिया मैं बाहर निकाल दूं। प्लीज बी केयरफुल कि यू शुडंट डिस्टर्ब ऑल ऑफ अस। चलो एक दो क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए करो पहले, तो क्योंकि तुमने प्रैक्टिस शीट नहीं करके आया ना। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इंटू एक्स प्लस वन is less than zero. All of you do this fast. Direct number line या factorize पहले? Factorize. जल्दी से करो, चैट पेन से लिखो। लास्ट क्लास के नोट्स पुराने बच्चों ने सबने कॉपी कर लिए थे ना बच्चों यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। शुड आई चेक इट रैंडमली वीडियो ऑन करा के चेक करूं या ऑनेस्टली बता रहे हो सबने कर लिए थे? सर करो ऑनेस्टली सर। यस सर। बाकी सब ऑनेस्टली किसी ने नहीं करे तो बताओ? सर किया है, बोला सर किया है। चलो ये वाला क्वेश्चन अभी मैं रिवाइज कराऊंगा वैसे ना, जब साइन चेंज करना होता है, ठीक है? अभी पहले अभी ये प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में ऐसे अगर देखें तो यस बच्ची अभी सॉल्व कर पहले। इस क्वेश्चन के अलावा कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। सर मुझे पूछा था कि पहले दो क्लासेस कब हुए थे? हर संडे को होता है बच्चे लेक्चर, तो आज थर्ड लेक्चर। ओके सर। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले ताकि कोई मिस कम्युनिकेशन नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। Are you on that WhatsApp group? Yes or no? Yes, sir, I'm on the WhatsApp group. बस वो चाहिए। उसकी मैं पुरानी recording, पुराने notes, पुरानी practice sheet सब वहाँ पे वापस भेज दूँगा। Clear everyone? Sir, आप वो notes रात तक भेज सकते हो, then I'll join it by evening. मैं आज रात को ही भेजूँगा बच्चे, ठीक है? Okay sir. इसलिए मैं अभी बहुत light रख रहा हूँ बच्चों, है ना? We are going slowly also, will not hurry, so that all of you which मिस कम्युनिकेशन के कारण इधर उधर हो गए हो तो बराबर आ जाओगे,
है ना, एंड एट द सेम टाइम योर बोर्ड्स प्रिपरेशन विल नॉट गेट अफेक्टेड. ओके, रैप दिस अप. अभी तक आंसर मुझे चैट पे लाइन से दिखने चाहिए थे, सिर्फ तीन दिख रहे हैं. सर, यस बच्ची, सर आपने अब तक कितने वो प्रैक्टिस शीट्स दिए हैं? अभी आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कराना उसके. ओके सर, लेक्चर के एंड में बात कर लेंगे. हरिया 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 ध्रुविल एंड प्रशम, ढंग से चेक करो, देखो गलतियां कर रहे हो. सर वो इंफिनिटी का साइन कैसे डाले, वो प्रॉब्लम. INF लिख दे, INF लिख दे, मैं समझ जाऊंगा बच्चे. ओके सर. शलिक ऑलमोस्ट देयर, सही था बट कुछ गड़बड़ कर दी है. आरत सही, शशांक सही, नेगेटिव पहले लिखते हैं प्रशम, अदरवाइज सही है. ध्रुविल चेक कर, यज्ञेश चेक कर, आदिति बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्ची, सबसे पहले आया था. अनन्या ब्रैकेट्स क्लोज नहीं रहेंगे, देख शालिक पूरा नहीं है. ओम करेक्ट, चेतनिया ओपन ब्रैकेट्स नॉट क्लोज. लोहित तक्षा इन्फिनिटी कभी भी ओपन क्लोज ब्रैकेट में नहीं आता है, बाकी सही है. आकाश सही, गुड. अद्वय सही, श्लोक सही, शालिक सही, तेजस्वी सही, तेजस्वीर वन नहीं माइनस वन. अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा, अभी मुझे बात करने दो सबसे, मैं सबका आंसर देखने दो. जो डाउट हो आफ्टर आई सॉल्व इट आई टेल यू टू कॉपी, उसके बाद मैं डाउट सबसे एक एक करके लेता हूँ. अलविया सही, नव्या सही. ओके इनफ टाइम, एवरीवन कैन वी डिस्कस दिस नाउ? यस सर. यस सर, थोड़ी आवाजें निकाल दिया करो. चलो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, बच्चों तो अब क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने का टाइम आ गया है. इसके कारण टू, इसके कारण फोर, इसके कारण माइनस वन. अब क्या करते हैं, राइट मोस्ट में सोच समझ के वैल्यू चेक करके प्लस लिखते हैं, बिना सोचे. नेगेटिव होगा सबसे राइट मोस्ट में, पॉजिटिव सबसे राइट में, हमेशा क्या बिना सोचे समझे क्या लिखना है, प्लस लिखना है. हाँ, फिर माइनस, फिर पॉजिटिव. आप कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है बच्चों? नेगेटिव. रीजन पहले लिखते हैं, तो पहला रीजन क्या है, माइनस वन से छोटा है ना एवरीवन. यस सर. तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन ओपन, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे. यूनियन टू से फोर, कॉपी इट. उसके बाद कोई डाउट हो तो पहले कॉपी करो, अपने डाउट के बारे में सोचो अगर है तो. ओके, किसी को डाउट? एनीबॉडी? नो सर. नो सर. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सॉल्व फॉर एक्स. एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इंटू टू एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इंटू थ्री. गलती मत करना, बस मजा आएगा. अच्छा ये बताओ, ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर थ्री भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता, आंसर चेंज होता है, इट वुड हैव रिमेन सेम? अगर मैं क्वेश्चन में ऐसा थ्री दे देता, सेम होता, सेम रहता, कुछ सेम होता, बिल्कुल सेम होता. क्यों? कैन आई से थ्री पॉजिटिव है, मैं डिवाइड करके हटा देता ना बच्चों. चलो आ जाओ नए क्वेश्चन पे, आराम से ट्राई करो. एंड अगर तुम ये सोच रहे हो, बहुत बच्चे सोचते हैं कि इसको इसको कैंसिल कर दें, तो तुम बहुत ही गलत चीज कर रहे हो. क्या बहुत सारे बच्चों को सॉरी रियलाइज है कि दिस इज वेरी रॉन्ग? नहीं, मुझे एक्चुअली मुझे उल्टा पूछना चाहिए, ऑनेस्टली बताना. रेज ऑफ हैंड, सबको जूम पे रेज ऑफ हैंड आता होगा, कितने जनों को लग रहा था कि ऐसे कैंसिल कर सकते हैं? ऑनेस्टली बताना, यहाँ ऐसे कैंसिल कर देते हैं हम. ऑनेस्टली, ऑनेस्टली मीन्स ऑनेस्टली. हर साल होते हैं बच्चे, मुझे समझाना पड़ता है कि वेरिएबल्स को ऐसे कैंसिल नहीं करते, बट
लेट मी सी कितने बच्चे यहाँ पे जिनको लगता है कि ऐसे कैंसिल करना चाहिए था या कर सकते थे हम. ओके चलो इधर देखो एक मिनट मैं समझा देता हूँ ताकि तुम्हें अगली बार के लिए ध्यान रहेगा. नेवर कैंसिल वेरिएबल्स. नेवर कैंसिल वेरिएबल्स. यू सी हियर x square minus 4x और क्या देता हूँ ऐसा करता हूँ x into x minus 4 equal to 2x. ठीक है. हाँ अभी तो इक्वेलिटी का क्वेश्चन लिया क्या ना इससे मैंने इक्वेलिटी लिया है इनइक्वेलिटी नहीं है. ओके ओपन करके तुम्हें दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक है. लेफ्ट साइड को ओपन करो दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक है. कमा यस क्वाड्रेटिक है मतलब रूट्स कितने आने चाहिए एक या दो. दो बट अगर मैं कैंसिल कर दूंगा एक ही आंसर आएगा फिर तो गड़बड़ है ना कुछ. एक जीरो होगा और एक वो जीरो. देखो अगर तुमने यहाँ पे एक्स को कैंसिल कर दिया तो ऑब्वियसली तुम्हारा एक ही आंसर आएगा. तो लॉस ऑफ रूट्स हो चुका है. वन ऑफ द रूट यू हैव एलिमिनेटेड विच इज दैट रूट जीरो. कम ऑन एक्स को जीरो रख के देखो क्या लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ रहा है क्या बच्चों रख के देखो. और इसका क्वेश्चन मतलब एक्स इक्वल टू जीरो इज वन ऑफ द आंसर. ऑल ऑफ यू एग्री करो. बट बाय कैंसलिंग कैन आई से अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि यू हैव एलिमिनेटेड दैट यू हैव लॉस ऑफ रूट्स नाउ. यस सर. तो क्या ये याद रहेगा नेवर कैंसिल द वेरिएबल्स. इक्वालिटी में तो गड़बड़ हो गई इनइक्वालिटी में तो तबाही मच जाएगी. समझते हो ना तबाही. यस क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो जाएगा. तो क्या करना चाहिए व्हाट इज द करेक्ट मेथड. कि कैंसिल नहीं करना चाहिए तो व्हाट इज द करेक्ट मेथड. सबसे करेक्ट मेथड क्या है. अरे कॉमन ले लो यार कॉमन. सिंपली टेक कॉमन. सबको दिख रहा है एक्स कॉमन आया बच्चों. यस सर. तो बताओ अब तो सबको दिख गया होगा कि दोनों आंसर आ रहे हैं सर बिल्कुल स्मूथली. कम ऑन एवरीवन. यस सर. तो क्या ये लर्निंग सबको याद रहेगी. कसम खा ली हमने सबने. क्या कसम yes, खाई बताओ. क्या कसम खाई. वेरिएबल्स को कभी नहीं वेरिएबल्स को कभी कैंसिल नहीं करेंगे भले इक्वालिटी है भले इनइक्वालिटी है. इंस्टेड वी विल ऑलवेज टेक बोलो कॉमन टर्म. कॉमन यहां पे कैंसिल नहीं करेंगे. इस टर्म को लेफ्ट साइड में लाओगे माइनस के साथ और फिर क्या करोगे कॉमन. कॉमन चलो करो जल्दी से सॉल्व इट. पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो फिर ये नेवल कैंसिल वेरिएबल बाद में लिख देना. फर्स्ट सॉल्व द क्वेश्चन नाउ बच्चों. बस एक स्टेप मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं बाकी तुम ही करोगे. कॉमन लो. ओके शामिक बिल्कुल सही है. शामिक गुड. अदिति करेक्ट है. बच्ची एक्टिव है. गुड. ये अदिति तो नई बच्ची है ना. यस अदिति गुड. गुड वेरी गुड. यस भाविका. नेवर नेवर मतलब मैंने ये नहीं बोला इक्वालिटी या इनइक्वालिटी. कभी भी कैंसिल नहीं करता. ओके यस बाकी सबके आंसर की लाइन दिखनी चाहिए मुझे जल्दी से चैट पे. कम ऑन कॉमन लो. और ध्यान से लिखो. कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा है प्लीज केयरफुली राइट. 2x माइनस 1 माइनस 3. आरत बिल्कुल सही. ओम बिल्कुल सही. श्रवण थोड़ी मिस्टेक करी है. हाफ नहीं है उसका क्रिटिकल पॉइंट. देख चेक कर ढंग से. श्लोक बिल्कुल सही. यस
इसको फैक्टराइज किया बच्चों, x माइनस वन एक्स माइनस फोर, ये 2x माइनस फोर है, तो 2 कॉमन ले लो, नहीं लोगे तो भी चलेगा, कॉमन लो तो भी चलेगा, 2 को तो उड़ा सकता हूँ ना एवरीवन। यस सर, हाँ ना, हाँ तो अभी तो सिंपल है यार, जल्दी से आंसर लिखो आप अपने नोटबुक में। करेक्ट अलविया, ब्रैकेट्स की मिस्टेक है, बट आकाश करेक्ट, नविया करेक्ट, जनमंजय कभी आंसर में नहीं देख पाऊँ, वापस लिख देना कभी करके, एक साथ आंसर में रह जाता है, अनुश्री मिस्टेक है, जनमंजय मिस्टेक है, अद्वय माइनस वन नहीं, अक्षित करेक्ट, अर्णव मिस्टेक, रोहित मिस्टेक, लोहित, दीक्षा सही। ओके बच्चों अब तो कर लिया तुमने, अभी कर लेता हूँ, 1, 2 and 4 प्लस माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर देन जीरो मतलब ये वाले रीजन, इक्वालिटी है तो ब्रैकेट्स ओपन आएंगे या क्लोज आएंगे बच्चों? क्लोज्ड, क्लोज्ड, तो एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 4 से इनफिनिटी। किसी को डाउट? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ओके 10 सेकंड्स है, नेवर कैंसिल वेरिएबल भी लिखना हो तो लिख दो, 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स, बस नोट की तरह लिखना हो तो लिख दीजिए, नेवर कैंसिल वेरिएबल्स। ओके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आई थिंक एवरीवन डन। कभी कुछ छूट भी जाए बच्चों तो करंट चीज पे आ जाना, 2 लाइन छोड़, 3 लाइन छोड़ सकते हो यार, इतना बड़े बनो, थोड़ा समझो इस बात को। ओके नाउ क्वेश्चन विच आई टुक इन द लास्ट क्लास, जो थोड़ा वापस रिवाइज कर लेते हैं एवरीवन। x माइनस टू इंटू 5 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिर्फ ग्रेटर देन ले लेते हैं, चलो ग्रेटर देन 0। ओके मेरे साथ ही जवाब देंगे सब बच्चे। ओके फैक्टराइज है, अगर मैं डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट मार्क करूं, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट -5 -5 -5 कहां से -5 5 -x = 0 करोगे, x 5 नहीं आएगा कदों, 5 कैसे आया, बस कुछ भी है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 5 है। आर यू विद मी यहां तक? यस सर, यहां तक बिल्कुल सही है। ओके बट जैसे ही तुमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ये गलत हो चुका है, क्या ये नए बच्चों को भी क्लियर है? व्हाई? यस सर, यस सर, कौन बताएगा रीजन नए बच्चों में से कि व्हाई दिस इज रॉन्ग? बट अब देखो अगर मैं x को 5.1 लूं, जो कि 5 से बड़ा है, जो कि इस रीजन में है, तो ये वाला फैक्टर तो पॉजिटिव होगा बट ये वाला फैक्टर नेगेटिव होगा, कम ऑन। सबको क्लियर हो गया कि ओवरऑल तो वहां नेगेटिव रखना चाहिए ना? यस हाय ना एवरीवन, यस हां सर, यस ये तो गलत है, तो ऑब्वियसली तुम सही करना चाहते हो तो यहां पे माइनस लिखो, फिर ऑब्वियसली साइन चेंज, तो ये करेक्ट है क्या यहां तक? क्लियर है? यस यस सर, कौन सा साइन लेना है हमें? ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के हिसाब से आंसर ये बिल्कुल अब करेक्ट आया, क्योंकि तुमने ये प्लस वाला लिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बट मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे फिर चेक करके वैल्यू पुट करना क्या अच्छा मेथड नहीं है, हर बार क्यों चेक करें? और क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होगा, क्वेश्चन तो 10 बार नेगेटिव होंगे, 10 बार हो सकता है पॉजिटिव भी हों, समझ रहे हो तुम? हाँ ना बच्चों, साइन
तो बेटर मेथड इज इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग कि राइट मोस्ट रीजन में माइनस आएगा, वी विल मेक 5 माइनस एक्स एज एक्स माइनस 5, करेक्ट और नॉट? यस यस। 5 माइनस एक्स को चेंज कर दो टू व्हाट? एक्स माइनस 5। कैसे करेंगे ऐसे? चेंज कर सकते हैं क्या ऐसे जो मर्जी चाहे? माइनस मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो यार। क्वेश्चन अगर ये है, क्या है? ग्रेटर देन 0। या सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय व्हाट? माइनस 1। सो एक्स माइनस 2 इनटू माइनस ऑफ 5 माइनस एक्स, बट यहां पे साइन क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, yeah, x minus 2 into kitna ho gaya? X minus 5 is less than 0. So, question ab kaun sa hai? Upar wala solve karenge ya niche wala solve karenge? Niche wala. Ab koi galti nahi hogi. Agree karo ki ab right most region mein to plus hi aayega. Bilkul correct hai. Jaldi se agree karo. Yes, sir. Aur fir sign change ho gaya hoga. अब बताओ फाइनल आंसर के लिए कौन सा साइन पिक करना है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो क्या आंसर आया? x belongs to 2 to 5 ना बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। क्या ऊपर वाले मेथड से भी सेम आंसर आया था क्या? यस सर। यस सर। बट हम कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे? नीचे वाला ऊपर वाला? नीचे वाला। ऊपर वाला भी करोगे तो आई डोंट माइंड, बट यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन अ बिगर क्वेश्चन। तो हर फैक्टर का साइन चेंज कर देना, दैट विल बी बेटर। बिल्कुल क्लियर? यस सर। यस सर। जल्दी से कॉपी करो। यस, आप कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एनी डाउट एनीबडी? सर कुड यू स्क्रॉल डाउन प्लीज? सर यही पर अच्छे। हाँ सर, पर अगर हम लोग एमसीक्यू में यूज करेंगे तो हम लोग को दोनों भी मतलब एक बार लॉजिक समझे तो दोनों मेथड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एमसीक्यू है ना। व्हाट मतलब यू आर आस्किंग मी कि दोनों मेथड करने की जरूरत है या नहीं है? दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग? नहीं, आई एम सेइंग इज अगर एमसीक्यू पूछा जाएगा दोनों मेथड लिखने की तो जरूरत नहीं होगी ना, तो उस आपके दोनों मेथड इक्वली दोनों मेथड एमसीक्यू हो या एमसीक्यू नहीं हो तेरे को क्यों करने की जरूरत है? दोनों मेथड मैंने क्यों करा है? बिकॉज मैं हर स्कोप कवर करूंगा, दैट इज अ प्रोफेसर्स टास्क, ताकि बच्चे को हर एंगल से समझ में आए। बट इन द एग्जाम्स ऑब्वियसली तेको आंसर से मतलब है, बोर्ड्स में तेको भली स्टेप से ही मतलब है, बट तो भी तो एक ही मेथड करेगा, दो मेथड क्यों करेगा? यस सर। यू टेल मी। यस। सो व्हाई डज इट डिपेंड अपॉन एमसीक्यू क्वेश्चन? इट डज नॉट। ऑलवेज यू हैव टू डू वन मेथड ओनली, करेक्ट? यस। बस डन सर। कैन आई मूव ऑन एवरीवन? यस सर। चलो आप क्वेश्चन फटाफट लाइन से क्वेश्चन की मिशन की तरह करना चालू कर दो। डायरेक्टली नंबर लाइन या साइन चेंज? साइन चेंज। चेंज द साइन, राइट डाउन द आंसर्स ऑन द चैट।
इसका माइक ऑन है भाई, ध्यान नहीं रखना है ध्रुविल। कितना आंसर आ गया देखा, ओ बाप रे क्या आ गया इसका सही है देखें। अरे इतने सारे आ गए, आप देखने की इच्छा नहीं हो रही यार मेरी। 25-26 आंसर आ चुके हैं तो आई विल नॉट चेक राइट नाउ बिकॉज इट विल बी टू लेट। अदर्स कैच अप जल्दी से, और जो बच्चे अब इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे ना जूते खाएंगे। सामर्थ अगमजोत, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, क्या ये सबको पता है? यस एवरीवन, यस सर। जनमंजय सुन लिया तूने? ओके टेल मी बच्चों, मैं बिल्कुल चुप, तुम मुझे बताओगे हर स्टेप, व्हाट शुड आई डू, टेल मी। फर्स्ट कन्वर्ट माइनस एक्स इनटू माइनस वन इनटू माइनस वन। ओके क्या मैं डायरेक्टली साइन चेंज करूं, सबको समझ में आ जाएगा ना ये? यस यस, या बच्चों की तरफ दिखाना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय माइनस वन? एक्सक्यूज मी, दैट ओके द एक्स प्लस टू होना चाहिए सेकंड ब्रैकेट में। वो तो एक्स प्लस टू ही है, देख वही तो है सर। आपने थ्री लिखा था, सर आपने थ्री लिखा था, कहाँ लिखा, टू ही तो लिखा देख पहले पहले। हाँ चलो आगे बढ़ू मैं। यस सर, क्रिटिकल, सो क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करेंगे। यस यस, यू टेल मी। -2, -3, -2, -3। ओके राइट मोस्ट में अभी प्लस या माइनस में कोई डाउट है या कोई डाउट नहीं? प्लस, क्योंकि अभी साइन चेंज किया। बिल्कुल, वेरी गुड, साइन चेंज कर लिया है, सारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, करेक्ट और नॉट? यस सर, यस सर। फंडा बोला नहीं बट सबको क्लियर है हम साइन चेंज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू बी पॉजिटिव, इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हैज टू बी पॉजिटिव बिफोर यू मार्क क्रिटिकल प्लस साइन on the rightmost region. Is everyone clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देख लो, अच्छी तरह लिखा हुआ है मैंने। Coefficient of x को positive बनाना है। जैसे यहाँ पे coefficient of x कितना है अभी? Minus है बच्चों। Minus one है अभी। तो we make coefficient of x positive before we mark plus sign on the rightmost region. तब कोई गलती नहीं होगी। Okay? So yes, plus, minus, कौन सा region लेने? Negative? Negative region. ओके सारे ब्रैकेट्स ओपन क्लोज्ड, ओपन एंड क्लोज्ड, सारे ब्रैकेट्स क्लोज्ड। ऑब्वियसली इनफिनिटी तो हमें गिवन है, वो हम ध्यान रखेंगे। हां माइनस इनफिनिटी से, सॉरी माइनस 2 यूनियन 2 से 3, एम आई करेक्ट नाउ? यस यस, ये आंसर है। किसी को डाउट इसमें? नो सर, नो डाउट सर। Tell me fast if any, otherwise I'm moving on. Okay. Solve x into 5 minus x into x plus 4 into 3 minus x. अरे यार ये बंद कैसे हो गया? अच्छा greater than equal. Screen sharing बंद हो गई ना? हाँ sir. Yes sir. Yes. Yes sir. Yes. My laptop actually switched off automatically. I don't know why. But you write down a question. किसने copy किया था अभी तक? मैंने क्या लिखा था? Yes sir. Can you repeat? 5 minus x. एक बच्चा बोलना। हाँ जनमंजय तू बोल। जनमंजय। Into 5 minus x into x plus 4 into 3 minus x तक हुआ था। Okay okay okay.
आराम से शुरुआत से बोल। x into 5 minus x into x plus 4 into 3 minus x and उसके बाद से नहीं पता चला क्या हुआ। ओके उसके बाद greater than equal to zero, greater than equal to zero, Janmanjay is going to repeat again, everybody listen, Janmanjay अभी repeat करेगा but सबको सुनाई दे रहा है clearly? Yes. एक बार Janmanjay please repeat again। Janmanjay प्लीज रिपीट बच्चे। अच्छा कोई और बच्चा? यस सर, यस सर। x into 5 minus x into x plus 4 into 3 minus x is greater than or equal to 0। वेरी गुड। चलो जब बच्चों अटेंड करो टिल आई एम स्टार्टिंग माय लैपटॉप। गुड, चैतन्य ने लिख के भेज दिया तो मैं सब कुछ चैट कर देता हूँ। सर एक डाउट था। अभी कोई डाउट नहीं बच्चे, कुछ क्वेश्चन क्या है उसमें डाउट है क्या? हाँ सर, बस एक वो था कि आपने जैसे बोला था ना कि माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है, तो दो बार ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि एक बार में हो जाएगा? तो बच्चे दैट इज अ डाउट दैट यू हैव टू थिंक ऑन योर ओन। ओके, वो अभी सोचो आप, ट्राई फॉर योरसेल्फ, आई एम नॉट गोइंग टू क्लियर इट राइट नाउ। अदिति का बिल का अदिति का बिल्कुल सही लग रहा है, आरित का बिल्कुल सही लग रहा है, वेरी गुड बच्चा। आरित भी नया बच्चा है पुराना बच्चा है? नया नया, गुड, दो नए बच्चे हमें अच्छे मिले, अदिति अनावित। यस श्रवण मिस्टेक, ओम करेक्ट। ओम भी नया बच्चा है या पुराना? पुराना सर। ओके, तो एक तो नालायक हमारे साथ ही है ना। शाम एक गुड करेक्ट, प्रशम मिस्टेक, अक्षत मिस्टेक, शशांक मिस्टेक, सामर्थ मिस्टेक, तेजस्वी। एट कहाँ से आ गया नलायक? एट तो बोला ही नहीं मैंने कोई क्रिटिकल पॉइंट। यस सर, वो इंफिनिटी का एट कर दिया। हाँ बाकी, हाँ फिर ठीक है, फिर बिल्कुल सही है। अद्वय थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, नहीं सही है अद्वय। आकाश लोग गलती है, शिवांग गलती है, संकेत गलती है, सब चेक करो अपना एक बार। थोड़े बच्चे गलती कर रहे हैं अभी, मैं किसी का नहीं देख रहा। चेक योर मिस्टेक्स। सो व्हाट वाज द साइन प्लस ग्रेटर देन और लेस देन 0? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके ओके, नाउ वी कैन डिस्कस। अब बच्चों
आगे बढ़ते हैं, फिर नई चीजें सीखते हैं हम. ओके, मैंने काफी जनों का चेक कर लिया था. अब नाउ यू हैव टू लिसन टू मी, स्टॉप राइटिंग. श्रवण भाई करा तूने, अब सुन लो. दो बार नेगेटिव है तो कैन आई एक्सप्लेन टू यू कि मैं एक तरीके से पहले में से माइनस कॉमन ले रहा हूं और दूसरे में से भी माइनस कॉमन ले रहा हूं. जस्ट अ सेकंड, एक बार मेरा हैंग हो रहा है क्या यार, एक गलत टाइम पे हैंग होता है. जस्ट अ सेकंड. अच्छा, जब तक ट्राई करो, मेरा एक बार लैपटॉप हैंग हो रहा है. जस्ट कनेक्टिंग इट अगेन. चलिए, एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ. कैन एनीवन, इसका मैं अभी सॉल्यूशन तो मैं डिस्कस करूंगा, बट कैन यू ट्राई वन मोर क्वेश्चन? यस सर. यस सर. एवरीबॉडी? यस सर. यस सर. यस यस सर. राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन. मैं दो क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूँ क्योंकि वही मैं नेक्स्ट थ्योरी में समझाऊंगा. तो प्लीज लिसन क्लोजली एज आई एम एबल टू जस्ट स्पीक अप ओनली. फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन आफ्टर सम पेजेस बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एनीवे. First question, x minus 3 divided by 5 divided by 5 greater than 0. What is easy, I know, but likho. I'll repeat again. X minus 3 divided by 5 greater than 0. Second question. X minus 3 divided by minus 5. Second question, I'm repeating again. X minus 3 divided by minus 5 greater than 0. Third question. First or second, should I repeat? Yes, sabne likh liya. Likh liya, sir. फर्स्ट क्वेश्चन एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय फाइव ग्रेटर देन जीरो. सेकेंड क्वेश्चन एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो. ओके सर. थर्ड क्वेश्चन, लिसन क्लोजली. X minus 3 divided by X greater than 0. Third question, repeating again. X minus 3 divided by X greater than 0. तीनों question के through मैं क्या समझा रहा हूं कि denominator के terms को कैसे handle करेंगे. Is that clear, everybody? Yes, sir. Yes. Yes, yes, sir. Yes, sir. जल्दी से, जब तक मेरा laptop connect हो रहा है तब तक तुम्हारे तीनों हो जाने चाहिए. राइट. आंसर मत लिखो अभी, ये बहुत लल्लू क्वेश्चन है. दिस इज पार्ट ऑफ द थ्योरी ओनली, तो जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ.
आंसर डन ओके बच्चे चैट पे लिख दो डन अगर हो गया तो चैट पे लिखो थर्ड का आंसर चैट पे लिखो फर्स्ट सेकंड का भले मत लिखो तेजस्वीर फर्स्ट और सेकंड का सेम नहीं हो सकता देख गलती कर रहा है तो कुछ ऑन द चैट अगर तीनों हो गए कॉन्फिडेंट लिखिए बिल्कुल सही है तो डन लिखो शशांक थर्ड का सही नहीं है चेक कर Okay, so please see on the screen. Let's us finish this question, then we'll talk about those three questions. Is that okay, everyone? Yes, sir. चलो पहले इसको देख लो. Okay, stop writing now. Listen closely. Question तो बहुत सारे मिलेंगे. So as I was talking about कि 5 minus x को हम minus common ले सकते हैं. अभी multiply नहीं किया. क्या ऐसे सिर्फ common लिया मैंने? माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नाउ कैन आई से दोनों माइनस आपस में नलीफाई हो जाएंगे इसका साइन चेंज नहीं होगा एवरीवन तो दो साइन है ऑब्वियसली तुम जनरलाइज कर सकते हो कि सर इवन बार अगर साइन चेंज करना है तो फिर फाइनली साइन चेंज नहीं होगा ऑड बार साइन चेंज करना है तो फिर फाइनली साइन चेंज हो जाएगा बताओ सिंपल इनफ याद करने की जरूरत नहीं है जस्ट थिंक कि दो बार इवन है इसलिए फाइनली साइन चेंज नहीं होगा बट अगर तीन बार साइन चेंज करना होता तो फिर होता ना साइन चेंज सो अब बस नॉर्मल बेबी कब हो गया बच्चों जीरो फाइव माइनस फोर थ्री प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हमें पॉजिटिव वाले रीजंस लेने हैं तो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से माइनस फोर क्लोज यूनियन जीरो क्लोज से थ्री क्लोज यूनियन फाइव क्लोज से इनफिनिटी कॉपी दिस जिनका गलत हुआ था इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है लास्ट टाइम अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों नो प्रॉब्लम एक्सक्यूज मी सर यस सो दिस माइट बी अ लिटिल सिली बट आफ्टर राइटिंग ये फर्स्ट एक्स उसके बाद आपने ये सिंबल क्या लगाया है कौन सा सिंबल ये एक्स लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्स में जो लिखा है माइनस है और क्या है माइनस कॉमन बिलोंग्स टू कौन सा सर अच्छा ये सर एक्स बिलोंग्स टू यस बच्चे आर यू टॉकिंग अबाउट दिस
Yes, sir. You are a new student today, first class? Yes, sir. तो समझ गया कि तेरे को 95% चीजें समझ में आ जाएगी, बट तेरे को फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखने पड़ेंगे. डिड यू गॉट द आइडिया? यस सर. तो इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ग्रीक लेटर है, मतलब एक्स कैन बिलोंग्स टू दिस ब्रैकेट. बताओ यही तो है सेंस, कि एक्स कैन टेक एनी वैल्यू इन दिस ब्रैकेट. यस सर, गॉट इट. एंड माइनस इनफिनिटी के पहले हमें वो कर्ली वाला ब्रैकेट लगाना है. हाँ, कर्ली मतलब हमेशा राउंड ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट्स रहेंगे. कर्ली नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? राउंड, राउंड या ओपन. ओपन. हाँ, कर्ली तो सेट नोटेशन में ये वाला हो जाता है, वो अलग चीज होती है. ओके. हाँ, तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट्स में रहेगा. उसका रीजन लेक्चर वन में या लेक्चर टू में मैं समझा चुका हूँ, तो वो वहां पे देखना बच्चे. ओके सर. चलो गुड. अब मैं तुम्हें समझा रहा था डिनोमिनेटर टर्म्स, हैंडलिंग डिनोमिनेटर टर्म्स. सो आई गेव यू थ्री क्वेश्चंस, लेट्स डिस्कस दैट. x minus 3 upon 5 greater than 0, x minus 3 upon minus 5 greater than 0, and third question, यही दिया था ना बच्चों? Yes sir. Yes sir. Yes. अच्छा, yes. while you were attempting these three questions, तुम्हें थोड़ी feel आई कि सब में कुछ ना कुछ same चीजें करनी है handle? Denominator. Yes. So yes, इस question में handling denominator terms means how are you handling these terms? And what is the difference between first, second and third question? किसी ने अगर clearly बोल दिया मजा आएगा. Anybody? Okay, what is the difference? Positive denominator and negative denominator एक variable. Very very good. किसका क्या नाम था इसका? जनमांजे से. जनमांजे interactive बच्चा है. Yes, five here is always positive. Can I say बच्चों? Yes sir. Yes. So can I cross multiply five without any worries? Yes sir. ये हम लेक्चर वन में डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये तो सॉल्व हो गया, आंसर आ जाएगा. इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, x belongs to 3 to infinity, final answer. Yes, this is negative, always negative. Can I cross multiply it? Can I? बस इतना पूछा. Yes sir. Even changing the sign. Change the sign. Since negative है, तो sign change करना पड़ेगा. तो इसका भी आंसर आ गया, x belongs to minus infinity से plus. First, second, किसी को डाउट? No sir. Okay, but what is the biggest difference in the third is here denominator is a variable term. Come on, agree karo. Yes sir. It can be positive as well as negative. Agree karo. Yes sir. तो अब मैं क्रॉस, मैं क्वेश्चन अगर तुमसे पूछूं कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तुम्हारा आंसर नो होना चाहिए. Come on, agree karo. Yes sir. क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त हमें पता ही नहीं चल रहा है कि साइन को सेम रखें या चेंज करें. एग्री करो बच्चों? यस सर. तो इसलिए वी डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई इट. यहां तक क्लियर? यस सर. वी डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई इट डायरेक्टली. हम क्या करते हैं एक्चुअली, अब ये लॉन्गर मेथड है, फिर मैं शॉर्टर मेथड भी बताऊंगा ना. लॉन्गर मेथड क्या है जो तुम्हें समझाने के लिए जरूरी है, कि x को मैं ऊपर नीचे तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. कम ऑन, एग्री करो. यस सर. वो मैंने इनइक्वालिटी के क्रॉस नहीं किया है, मैंने तो 5 है, तो 5 को मैं 3 इनटू 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ. मैं 5 को तो -3 इनटू -3 से भी कर सकता हूँ. एग्री करो. यस सर. क्योंकि मैं एक ही साइड ऑफ इनइक्वालिटी में कर रहा हूँ, तो नो वरीज ना. यस सर. बट इससे फायदा क्या हुआ? अब डिनोमिनेटर क्या हो गया है? कम ऑन, स्क्वायर. पॉजिटिव. नाउ इट इज पॉजिटिव. ओनली थिंग इज आई हैव टू टेक केयर कि फाइनल आंसर में जीरो नहीं आ सकता. कौन रीजन बताएगा इसका? इफ एक्स जीरो हो गया, देन डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और क्वेश्चन नॉट डिफाइंड हो जाएगा. एग्री करो. यस सर. तो अभी मैं डिनोमिनेटर टर्म्स के लिए देखो दो तीन चीजें लिख रहा हूँ. नोट वन, फर्स्ट पॉइंट, जैसे ही डिनोमिनेटर देखो, राइट डाउन एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू व्हाट, ए बी सी जो भी है सब लिख देना. एग्जाम्पल, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 5, ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो बिफोर यू डू एनीथिंग सबसे पहले लिख देना एक्स कैन नॉट बी 0, एक्स कैन नॉट बी 5. बताओ क्या है, सबको क्लियर है? Yes sir. अदरवाइज क्वेश्चन विल बी नॉट डिफाइंड. सेकेंड पॉइंट, डू नॉट
cross multiplier denominator terms, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्लड जैसे ही मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये पॉजिटिव हो गया, अब इसको टाटा बाय बाय कर दो ना। यस सर। हाँ, टाटा बाय बाय मतलब आई हैव क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय जीरो एंड एलिमिनेटेड इट, इज दैट ओके, क्लियर? यस सर। और अब तो बताओ ये नॉर्मल हो गया ना, डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है बच्चा? यस सर। नॉर्मल वेवी कर्व 0 3 प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन सिलेक्ट करेंगे हम? प्लस वाले। फाइनल आंसर आ जाएगा x belongs to minus infinity से 0 union 3 से infinity। क्या यहां तक मेरे साथ हो? यस सर। यस। तो ये तो लॉन्गर मेथड हो गया कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और फिर आंसर लिख दो, बट तुम्हें यहाँ पे शॉर्टर मेथड भी दिखा होगा कि सर समझ में आता है चलो कि सर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट कहना इसे आंसर निकालने के लिए डायरेक्टली कम ऑन दिस क्वेश्चन इज सेम एज दिस क्वेश्चन, देखो। यस सर। यस सर। तो कम ऑन, मैं इसके बाद डायरेक्टली नंबर लाइन पे भी तो जा सकता हूँ, इमेजिनिंग इट कि x ऊपर ही एक तरीके से, कम ऑन। यस सर। ऑन जस्ट इमेजिनिंग इट कि x ऊपर ही है, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। ओनली थिंग इज जीरो फाइनल आंसर में नहीं आना चाहिए, बट जीरो अभी तो आ ही नहीं रहा है, एग्री करो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. But अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू होता तब तो इसका आंसर के लिए तो जीरो क्लोज होता ना एवरीबॉडी। बट फिर मैं फाइनल आंसर यही लिखता या जीरो पे ओपन करता? कम ऑन। ओपन। जीरो पे ओपन करता और थ्री पे मैं क्लोज ही रखता। बताओ ये जीरो पे ओपन क्यों किया है वापस, टेल मी द रीजन। अदरवाइज क्वेश्चन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर वाला टर्म तो हमेशा ओपन में ही रहेगा, इसलिए उसको क्वेश्चन को करने से पहले ही लिख देना। सेकंड थिंग, अब मैं शॉर्टर मेथड को वापस बोल रहा हूँ कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दो लाइन का टाइम वेस्ट है, कम ऑन एग्री करो। यस सर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इसके बाद डायरेक्टली कहाँ पे जाओगे बताओ? नंबर लाइन, डायरेक्टली नंबर लाइन पे आ जाओ। Only thing is denominator वाले term को जो लिखा है उसका ध्यान रख लेना। Is that clear? Yes, yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मैं points note में लिख रहा हूँ, रुक जाओ, जो copy करना होगा मैं आपको बता दूंगा बच्चों। Do not cross multiply denominator terms. Directly draw number line and get the answer. Draw number line and get answer. Just keep denominator terms not equal to zero into consideration. बताओ, enough है ना? हाँ बच्चों? हाँ सर, enough है। जैसे एक question दे रहा हूँ, मतलब यही समझो मेरे साथ ही, x minus 5 upon x minus 2 greater than equal to zero. तो directly number line या number line से भी पहले कुछ करने को बोला है मैंने? Directly number line. उससे पहले मैंने ये बोला है कि सबसे पहले ये जरूर लिख दो। इसका क्या reason है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं last में ध्यान रखूंगा, बट तुम्हें भी पता है क्वेश्चन इतना इजी नहीं होता है सर। एक्स तो फिर तो हो गया, तो फिर मेरे को बोलने दे एक मिनट। किसी टफ क्वेश्चन में फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इतना बिजी हो जाते हैं कि छोटी मोटी चीजों को भूल जाते हैं। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? यस यस सर। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बिफोर अप्रोचिंग द क्वेश्चन ये सबसे पहले लिख देना। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, अब इसको ऊपर नीचे करके पॉजिटिव बनाऊं या डायरेक्टली नंबर लाइन पे जाऊं? डायरेक्टली। ऐसे पॉजिटिव बनाने की जरूरत है या नहीं है? नहीं सर। नहीं है सर। नहीं है सर। नंबर लाइन पे जाओ, करेक्ट और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। 2 5 प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव वाले हमें आंसर लेने हैं, एवरीथिंग इन क्लोज ब्रैकेट। एम आई करेक्ट और एम आई लिटिल बिट रॉन्ग? सर इनफिनिटी वाला सर, 2 और 5 ओपन ब्रैकेट सर, 5 वाला भी ओपन पे आएगा, 5 वाला क्लोज्ड आएगा, करेक्ट और नॉट? यस सर। यस सर। क्या सबको क्लियर है डिनोमिनेटर टर्म्स कैसे हैंडल करना है? यस सर। यस सर। यस सर। पहले तो क्वेश्चन कंप्लीट करो, डाउट अभी कुछ नहीं, मेरी पढ़ाई का पैटर्न समझो। मैं क्लियर है, इसका सरकास्टिक रिटोरिक क्वेश्चन होता है, तुम्हारा आंसर यस ही चाहिए मुझे, बट फिर मैं कॉपी करने को बोलूंगा, उसके बाद डाउट पूछ लेना। समझ गया बच्चे? सर डाउट नहीं है, क्या आप फिर से सॉल्व कर सकते हो सर? नहीं, मैं वापस पूरा समझा दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा कदे। अभी मैं जब वापस करूंगा तब अभी रुक जा, ये कॉपी कर पहले पूरा। और पूरा क्यों सॉल्व करूं, तो डिस्कनेक्ट हो गया था?
थोड़ा प्रॉब्लम था इंटरनेट में, इसमें समझ नहीं आ रहा था। हाँ बच्चे तो ऐसे मत कर दे, और बार ऐसे होगा हर थी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। आई रिपीट अगेन बट बी केयरफुल वाइल लिसनिंग, प्लीज कंप्लीट दिस। ये लॉन्गर मेथड जरूर एक बार कॉपी कर लो, एक बार के लिए कॉपी कर लो। Yes, इस पेज में कोई डाउट? Now you can ask. No sir. सबका यहाँ तो कॉपी भी हो गया बच्चों? Yes, copied. Yes sir. Okay. So please write down these two notes. Handling denominator terms and points to note. Dancer. इसको मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, जिसको थोड़ा सा भी डाउट है सुन लेना। क्वेश्चन देखा, सबसे पहले डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकते, उस कारण से लिख दिया। देन डायरेक्टली नंबर लाइन, इसके कारण क्रिटिकल पॉइंट टू, इसके कारण क्रिटिकल पॉइंट फाइव। जस्ट इमेजिन कर लो जैसे ऊपर ही राइट मोस्ट रीजन में प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है प्लस, तो आंसर लिख दिया। बट टू एक्स नहीं हो सकता इसलिए टू पे ओपन कर दिया। Is everybody clear now? Sir, can you just repeat the last part? क्यों बच्चे तूने सुनाया नहीं क्या? वो सर आपकी थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो गई। ओके वापस बोल रहा हूँ बच्चे, यहाँ तक तो सुन लिया था ना तूने? हाँ सर। तो बस इमेजिन कि x माइनस टू ऊपर ही है, और फिर हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करते हैं 2 एंड 5, राइट मोस्ट रीजन प्लस माइनस प्लस, आई हैव टू सेलेक्ट प्लस रीजंस दिस एंड दिस, सो योर आंसर वुड हैव बीन दिस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, बट सिंस x माइनस 2 डिनोमिनेटर में है, x कैन नॉट बी 2, तो इसलिए 2 पे बस ओपन कर देना। क्लियर? हाँ सर। एवरीबॉडी एल्स आल्सो क्लियर? बुलंद आवाज। यस सर। Yes, sir. Can I give questions now? Yes, sir. चलो करो। Solve this.
बिल्कुल गलती नहीं चाहिए मुझे, दोनों का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आदित्य बिल्कुल सही, पहले का तो आरत बिल्कुल सही, अद्वय टू पे ओपन आएगा, अनुश्री बिल्कुल सही, टू पे ओपन आएगा, ध्रुविल पहले का आंसर ये सही नहीं है, टू क्रिटिकल पॉइंट है, जीरो थोड़ा है। अगम जो सही है बच्चे, बट पहले फोर टू इन्फिनिटी लिखते हैं, पहले टू टू थ्री लिखते हैं क्योंकि वो छोटी वैल्यूज है। शिवांग रॉन्ग, आकाश बिल्कुल करेक्ट, अर्णव बिल्कुल करेक्ट, चैतन्य बिल्कुल करेक्ट। क्या अदिति ओम अभी तक सेकंड का नहीं आया है। तेजस्वी टू ओपन, ओम फर्स्ट का सही, नलाया कितना धीरे तू। अदिति ये सेकंड का है। हाँ सर। सही है शालिक, जो लिख रहे हो फर्स्ट सेकंड ढंग से लिखना बच्चों, मैं कहीं गलती से गलत नहीं पढ़ू। फर्स्ट सही है शौनक, फर्स्ट सही है श्लोक, गलती है फर्स्ट में। अलविया फर्स्ट सही है, बैसल फर्स्ट सही है, लोहित दीक्षा फर्स्ट में टू ओपन, आरित ये सेकंड का है फर्स्ट का है, बिल्कुल सही है अगर सेकंड का है तो। श्रवण सही, सेकंड का था। हाँ ओके, फर्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसको नहीं आया प्लीज सी अलोंग विद मी। एक्स कैन नॉट बी टू, फाइव को उड़ा दिया मैंने डायरेक्टली, नंबर लाइन टू थ्री फोर, प्लस माइनस देख लो बच्चों, फिर यूं नहीं कि मिस कर दो, फिर वापस पूछोगे मैं नहीं बताने वाला हूँ। कौन से साइन लेने हैं, पॉजिटिव, सारे क्लोज ब्रैकेट्स एक्सेप्ट टू, तो टू पे ओपन थ्री पे क्लोज, यूनियन फोर क्लोज से इन्फिनिटी। फर्स्ट किसी को डाउट? नो सर। नो सर। सेकंड यू हैव 30 मोर सेकंड्स, आई एम चेकिंग द आंसर नाउ। आरत ने सही बोला था, अब सिर्फ सेकंड का आंसर देना भाई। अनुश्री सही सेकंड, प्रशांत फर्स्ट, ठीक है सेकंड दो अब। श्रवण सेकंड में ब्रैकेट्स की गलती, अद्वय मिस्टेक, श्लोक मिस्टेक, ओम सही, अक्षत सही, संकेत रॉन्ग, प्रशम सही बट छोटी वैल्यूज छोट पहले लिखा करो, अलविया सही, चैतन्य मिस्टेक, आगमजोत सही, सुशांत करेक्ट, आकाश करेक्ट, टेन मोर सेकेंड्स फॉर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ मिस्टेक हो गई है, अक्षत सही, शालिक सही, शामिक करेक्ट, या करेक्ट शामिक का भी, ओके श्रवण, और नाउ एक ब्रैकेट की गलती है, जीरो पे क्लोज आएगा, शौनक रॉन्ग, अद्वय रॉन्ग, ध्रुविल मिस्टेक या ब्रैकेट पता नहीं क्या लिखा दिया सर, वो जीरो के बदले ब्रैकेट के बदले जीरो।
ठीक है वापस लग देता बोल ठीक है। रोहित पहले का सही है दूसरे का लेगा। रोहित इक्षा रॉन्ग, संकेत रॉन्ग, साइन चेंज नहीं किया है तुमने। रोहित इक्षा एंड संकेत ये सब बच्चों को याद आ गया। सबसे पहले इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। यस सर। यस सर, अगर वहां का साइन चेंज किया तो वो ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से सॉल्व किया तो वैसे मत कर। यहाँ 4 माइनस एक्स रखेगा तो हाँ तू ऐसे पढ़ सकता है कि पूरे क्वेश्चन में लेस देन जीरो लूं, बट ये ऐसे सोचना गलत है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स लर्निंग कर रहा है तू। उसमें गलतियां करेगा किसी और में तो फिर मेरी गारंटी नहीं है कि तू सही कर पाएगा। समझ गया? सिंपल रख लाइफ को। ओके इनफ टाइम, नाउ आई एम सॉल्विंग, प्लीज सी जल्दी से। एक्स कैन नॉट बी 2 and 4। देखो साइन चेंज करने से पहले भी मैंने ये लिख दिया, करेक्ट ना? यस सर। हाँ, अब मैं फटाफट साइन चेंज कर रहा हूँ एक का, x माइनस 4 तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन लेस देन 0 हो गया। अब डायरेक्टली नंबर लाइन 0 2 3 4 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ताकि कोई टेंशन ही नहीं होती है, फास्ट होता है। नेगेटिव वाले मुझे लेने हैं, सारे ब्रैकेट्स क्लोज एक्सेप्ट डिनोमिनेटर्स, 0 से 2 ओपन, यूनियन 3 क्लोज से 4 ओपन। क्या सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। इस टॉपिक में हाँ बच्चे बोल सर। मतलब जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होते हैं उनको नंबर लाइन में हम ओपन ब्रैकेट ही डालेंगे उनके। नहीं सही समझा है, बोल गलत करा है। जो भी टर्म्स डिनोमिनेटर में होते हैं वहां पे नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वहां पे फाइनल आंसर में ब्रैकेट्स हमेशा ओपन रहेगा, एक्स वो नहीं हो सकता। बस ये मतलब है उसका। नंबर लाइन पे तो देख जैसे के हैं तैसे के हैं, नंबर लाइन पे देयर इज नो चेंज able to we can able to judge। हमें बस यहाँ पे अगर greater than होता तो भी 2 पे open रहता, greater than equal to है तो भी 2 पे open रहेगा। Is that clear? क्योंकि x cannot be 2, as simple as that। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? क्योंकि x 2 हो ही नहीं सकता, बस खत्म बात। And sir, अगर suppose denominator 2 minus x होता तो फिर वो greater than equal to नहीं बदलता ना, less than equal to। दो बार साइन करते तो greater than नहीं रहता, वो हम कर चुके ना बच्चे। Yes sir। तो यस सर, प्लस कब लेने और माइनस कब लेने? तो वो नंबर तो आज फर्स्ट क्लास है तेरी सर? नहीं सेकंड, नहीं थर्ड है आज। तो बच्चे थोड़ा नोट्स को पढ़ के आया करना, मतलब पूरी कहानी खत्म हो रही है रामायण और तू पूछ रहा है अब राम कौन है। लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं, लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं। चल अरे चुप रहे, लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं तो बताते हो क्या रीड कर रहा है, कि लेफ्ट साइड लेस देन 0 या लेफ्ट साइड ग्रेटर देन 0, कैसे रीड कर रहा है? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है? नेगेटिव सर, इसके लिए नेगेटिव। तो फिर कौन से रीजन सेलेक्ट करेगा? नेगेटिव। नेगेटिव बता। क्लियर? यस सर। संकेत, तो तेरे को नहीं लगता ये तेरे को 10 क्वेश्चन पहले पूछना चाहिए था जो तू इतना लेट पूछ रहा है? सर मैं लेट आया। अरे यार मेरी गलती हो गई, सॉरी ना कि तू लेट आया है ना। नो सर, आइंदा से लेट आया और फिर मुझसे डाउट भी पूछा ना मैं बार कर दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। जो लेट आया गधापंती खुद के कारण, तो फिर वो मेरे से डाउट पूछने की हिम्मत भी मत करना यार। मतलब यूं मैं बिल्कुल फ्रेंडली हूँ, बट तुम सोचो खुद लेट आ रहे हो और पूरी क्लास को रोक के और फिर डाउट पूछ के डिस्टर्ब भी कर रहे हो संकेत, हाउ इज दैट फेयर? बता है संकेत? सॉरी सर। सर अगर क्वेश्चन होता कि लेस देन 0 है तो फिर सारे ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट ही होते हैं। लेस देन 0 होते तो सब के सब ओपन ब्रैकेट्स होते हैं, बिल्कुल सही, राउंड ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है सर, तब ये मैटर ही नहीं करता। यस सर, 0 पे ओपन ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। 0 पे ओपन क्यों होना चाहिए? 0 तो डिनोमिनेटर, क्योंकि अगर हम लोग उधर देखेंगे तो x ऊपर है। तूने पूछ लिया, मैं बोल रहा हूँ तो बीच में क्यों बोल रहा है बच्चे तेजस्वी? सॉरी सर। ओके जस्ट आंसर मी दिस क्वेश्चन, इफ आई पुट x इक्वल्स टू 0 हाउ मच इज लेफ्ट साइड? अच्छा मेरे को पक्का यकीन है तेरे को ये भी कंफ्यूजन होगा, रुकना तेजस्वी, पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना, ऑनेस्टली सुनना तेजस्वी, रेडी? हां सर। तो दो क्वेश्चन मुझे आंसर करेगा, मुझे पता लग जाएगा तेरे को डाउट कहां पे। 7 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ट्रू और फॉल्स?
फॉल्स फॉल्स हां पक्का हां सर सॉरी ट्रू सर ट्रू फॉल्स या ट्रू एक डिसाइड कर ले भाई ट्रू ट्रू पक्का क्यों ट्रू क्यों सर ग्रेटर देन और इक्वल टू है हां अच्छा अब 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ट्रू और फॉल्स ट्रू ट्रू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब ट्रू होता है बिकॉज़ इस सिंबल का मतलब ये होता है करेक्ट ना यस सर तो अब नाउ पुट x = 0 टेल मी द लेफ्ट साइड की क्या वैल्यू है ये 0 हो गया 0 into anything कितना होगा 0 होगा तो नॉट डिफाइंड आएगा तो अरे कहां नॉट डिफाइंड 0 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में करते न्यूमरेटर तो नॉट डिफाइंड कैसे होगा तेजस्वी ओह सो नॉट डिफाइंड कब होता है तेजस्वी 0 डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सर डिनोमिनेटर बट अभी 0 कहां पे है न्यूमरेटर तो बता 0 into anything इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 0 0 greater than equal to 0 ट्रू और फॉल्स ट्रू ट्रू सो देयरफॉर x = 0 फाइनल आंसर में आना चाहिए ना फिर तो हां सर बता क्लियर है तेरे को यस सर तू शायद से वही नॉट डिफाइंड सोच रहा था इसलिए पूछ रहा था ना हां सर तो नॉट डिफाइंड कब होता है 0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लीज बी क्लियर यस यस और किसी को कोई डाउट सर why are we taking 0 in the number line वो मुझे बीच में प्रॉब्लम है ऐसा लग रहा है मेरे को यहां क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया बट अब सबकी दिल की ख्वाहिशें पूरी करता है नहीं लग रहा सर ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो है चल एनीवे आस्क अगेन प्लीज सर वो नंबर लाइन पे 0 हम लोग क्यों ले रहे हैं इसमें मुझे ये बिकॉज़ इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन है x का सर कैन यू रिपीट बच्चे थोड़ा पढ़ के आया करो तू नोट्स पढ़ के नहीं आया है ऑनेस्टली टेल मी लास्ट क्लास के नोट्स पढ़ के आया तू यस सर पढ़ा था अभी फिर से रिवाइज किया था तो बता इसका इसके अगर ये क्वेश्चन होता है तो क्रिटिकल पॉइंट कौन-कौन से -4 है -4 बहुत अच्छे है ना बच्चे सॉरी +4 प्लस +4 दैट्स इट राइट हां बता नोट्स तूने पढ़े मम्मी ने पढ़े नहीं मैंने पढ़ा पक्का हाँ तो नोट्स को क्या मतलब टीवी देखते देखते मतलब पेज पलट रहा था ऑनेस्टली बता कुछ लिख के तो नहीं करे तूने नहीं सर लिख के करा शायद से कुछ छूट गया होगा आई गेस नहीं छूट नहीं गया बच्चे तेरे कांसेप्ट क्लियर नहीं है तूने ढंग से क्योंकि ना जस्ट ऊपर ऊपर सुपरफिशियली तरीके से यू हैव रिवाइज द नोट्स इफ यू डू दैट स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू विल नॉट कैच अप बिकॉज दिस इज नॉट बोर्ड्स इन दिस एट एवरी स्टेप यू हैव टू थिंक व्हाई दिस स्टेप केम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट इसके कारण 4 है बट इसके कारण भी क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज x = 0 बता इजंट दिस लाइक x - 0 * x - 4 बता यस सर तो इसके कारण क्रिटिकल पॉइंट 4 है तो इसके कारण कौन होगा नालायक 0 0 तो दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे ना ओके सर या गॉट इट अब तू बता ये गलत बात नहीं है तेरी कि तेरे को तीन लेक्चर में ये अभी क्लियर नहीं है हैं बसल सर लास्ट लेक्चर आया नहीं था मगर उसका वीडियो देख लिया था तो वीडियो तूने देखा नोट्स नहीं बनाए ना बनाए थे शायद छूट गया होगा या फिर समझ नहीं आया मुझे ऐसा ओके एनीबॉडी एल्स और किसी के दिल की ख्वाहिश सर एक डाउट है बोल इफ वी राइट 1/0 सो इट्स नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट तू तेरा फर्स्ट लेक्चर है आज नो द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज फॉर द वैल्यू ऑफ tan 90 डिग्री we write infinite instead of not defined wo main to nahi likhta hu reason for that sun le ab are chup are yaar tune bol diya to mere ko bhi to bolne de yaar ye debate thodi na ho raha hai yahan pe are ha tan 90 degree jin bachchon ko pata hai wo clearly bolna is it not defined or is it infinity not defined tan 90 infinity nahi hota hai 1090 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है और ये सब फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिया मैंने बच्चे बट तू था फर्स्ट लेक्चर में आरत नो सर हां तो फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखना ये मैं बता चुका हूं 1/0 नॉट डिफाइंड होता है इंफिनिटी इज 1/0 प्लस याद है सब बच्चों पुराने यस सर यस सर आरत सी द फर्स्ट लेक्चर ओके सर
Sir, the reason why I asked this doubt. No, I don't need to know. Most of the textbooks. Chup rahe yaar. Unless you see the first lecture, and then if you ask me, I'll be very happy to discuss. Is that fair enough? Okay. Okay, solve this. Everyone. अच्छा मुझे बस बता दो एम आई डूइंग करेक्ट मेथड वन बच्चों देखना इधर है एवरीवन जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है एक्स कैन नॉट बी माइनस थ्री करेक्ट और रॉन्ग बिल्कुल करेक्ट बस 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 अरे डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता वो तो 100% ट्रू है ना बच्चों भले राइट साइड में कुछ हो या ना हो Yes or no, everybody? अगर x को माइनस थ्री रख दिया तो माइनस थ्री माइनस वन अपॉन जीरो ही आएगा ना बच्चा Yes, sir. क्या ये डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है यू टेल मी नॉट डिफाइंड तो कैन x बी थ्री और x कैन नॉट बी थ्री माइनस कैन नॉट बी माइनस तो ये स्टेप बिल्कुल क्लियर है करेक्ट है एवरीवन ओके Yes, sir. ओके Next, tell me if I cross multiply it, am I doing correct or am I doing wrong? Wrong. Very good. Wrong. Then, चलो फिर cross multiply नहीं करना पड़ता जैसे हमने shortcut सीखा directly number line पे चले जाओ इसके कारण वन इसके कारण माइनस थ्री क्या ये सही है या ये गलत है wrong. गलत होगा ना हाँ गलत होगा बिल्कुल गलत है गलत अरे यार इतने तो राइट हैंड साइड में टू है हाँ इतने तो ऑब्जर्वेंट जीरो करना होगा बिल्कुल सही इतने तो ऑब्जर्वेंट हो गए वो तो राइट साइड में जीरो होता है तब करते हैं हम एवरीवन हाँ यस सर यस सर तो ये गलती मत कर देना सुन लिया सबने यस सर यस तो एवरीवन एक्चुअली गॉट द आईडिया कि फर्स्ट वी हैव टू मेक राइट साइड एज जीरो जीरो चलो स्टार्ट डूइंग इट हाँ ठीक है दा सो नो डाउट प्लीज राइट डाउन द आंसर ऑन द चैट एंड वेट फॉर योर डाउट आरित आई थिंक सही लग रहा है वंश का रॉन्ग लग रहा है अद्वे रॉन्ग लग रहा है नहीं अद्वे का वो तो पुराना क्वेश्चन का है हाय भाई हमारी अदिति आंसर ओम वंश चेक करो रोहित रॉन्ग बच्चों टू को जीरो कैसे बनाओगे यू टेल मी माइनस टू ऑन बोथ द साइड बस माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो अब टेक एलसीएम एलसीएम संकेत एक मिस्टेक तो कसम खा रखी करके ही रहूंगा नहीं अदवे रॉन्ग शाना कॉल्स अ मिस्टेक प्लस माइनस की मिस्टेक है स्लोप करेक्ट अदिति रॉन्ग तो आरित नहीं अभी तक सही किया इसलिए मैं उसका डाउट बताने की इच्छा भी हो रही बट अभी रुक जाओ शशांक करेक्ट श्रवण सिली मिस्टेक वंश अभी भी रॉन्ग अरे एलसीएम लेने में तो गलती मत करो यार नहीं तो वही जेई छोड़ के नाइन्थ क्लास को रिपीट करो यार प्रशम माइनस थ्री माइनस सेवन से छोटा होता है बड़ा होता है कार्टून सॉरी ये तेरा एक और भाई आकाश आकाश ध्यान से देख वैल्यूज को अद्वे मिस्टेक चैतन्य मिस्टेक यार एलसीएम लेने में ब्रैकेट्स ओपन करने में गलती करते हो टेन बोर्ड में क्या 60 50 मार्क्स लाने हैं क्या
x plus 3, x minus 1 minus twice of x plus 3. ओपन करो तो माइनस आएगा ना, काटो ना, पता नहीं क्या करते हैं. x माइनस 2x माइनस x माइनस 7. इसमें क्या करूंगा मैं, माइनस कॉमन लूंगा. एवरीवन एग्रीड ना? यस सर. यस सर. अब माइनस को टाटा बाय बाय कैसे करें? साइन चेंज. साइन चेंज मल्टीप्लाई ना. x plus 7 अपॉन x plus 3 लेस देन 0, करेक्ट एवरीबॉडी? यस सर. यस सर. x माइनस 3 तो हो नहीं सकता, वो तो पहले ही लिख देना चाहिए था. तो आप तो चिल्ला के बोल दो भाई कौन सा आंसर है. x belongs to minus 7 minus 8 को minus 2 plus 7 से minus 3. अब क्यों नालायक बनती करते हो. देखो अनुश्री, minus 3 छोटा होता है ना minus 7 से. हैं? yes. हाँ yes बोल रही हो नालायक. minus 3 छोटा होता है. तो फिर तूने आंसर ये क्यों लिखा? कितने बच्चों ने ऑनेस्टली बताओ यहाँ एल्जेब्रिक मिस्टेक्स कर दी, प्लस माइनस कैलकुलेशन ऐसे मिस्टेक्स कर दी? रेज ऑफ हैंड करना एक बार जल्दी से ऑनेस्टली. कैलकुलेशन मिस्टेक्स? हाँ सर, वो लास्ट में माइनस लिखते वक्त मिस्टेक की. मैं वो भी कैलकुलेशन मिस्टेक में ही मान. अब जल्दी से अपना माइक ऑन करो ऑनेस्टली. तुम्हें अगर मेरे साथ जेई क्लियर करना है तो ऑनेस्टली माइक ऑन करो और खुद को एक थप्पड़ मारो जल्दी से. ऑनेस्टली माइक से मुझे आवाज आनी चाहिए. माइक ऑन करो और थप्पड़ जल्दी से. बहुत तेज मारने की जरूरत नहीं है, धीरे से बस मारो जल्दी से. ऑनेस्टली सर मुंह पे. हाँ मुंह पे मारेगा और क्या मारेगा. चलो जो भी. अगर आई होप यू हैव ऑनेस्टली डन दिस. एल्जेब्रिक मिस्टेक्स मत करो यार. कोई और डाउट किसी को? नो सर. यस एनीबॉडी? सर डाउट. हाँ बोलो अनुश्री. सर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके एक साइड पे लाएंगे तो भी जीरो हो जाएगा. ओके प्लीज रिपीट अगेन, आई डिडंट हियर यू. एक्चुअली बोलना प्रॉपर. सर लाइक इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई. हाँ ये वाला ना. यस सर. सर देन गेट ऑन वन साइड, गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देन आल्सो गेट. यार बच्ची इधर देख अनुश्री, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. Do not cross multiply. लिख रखा हूँ मैंने, बहुत बार समझा दिया है. We never cross multiply. बच्चों tell me the reason क्यों नहीं करते हैं? Not when it's x variable. Because variable होता है, वो positive negative दोनों हो सकता है. बब बोल अनुश्री क्या बोल रही है? हम cross multiply कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं x plus 3 positive है तो sign change नहीं होगा, but x plus 3 negative है तो sign change होगा. तो फिर कैसे करेंगे? या तो केसेस लेके करो, इससे अच्छा तो ऐसे ही कर ले. एवरीवन क्लियर? यस सर. चलो मैं एक और चीज पढ़ाना चाहता हूँ थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा. अभी कौन सा टॉपिक कर रहा था? वेवी कर्व में भी क्या कर रहा था? हाउ टू हैंडल डिनोमिनेटर्स. अब हैंडलिंग क्वाड्रेटिक टर्म्स. क्वाड्रेटिक टर्म्स या फिर ऑलवेज पॉजिटिव ऐसा करते हैं. चलो हैंडलिंग इवन पावर्ड और ऑड पावर टर्म्स. इवन पावर और ऑड पावर टर्म्स. अभी तक एग्री करो हर क्वेश्चन में फैक्टर की पावर वन होती थी. कमॉन. यस सर. क्वेश्चन ऐसा दूंगा तो जल्दी से एग्री करो, हर पे पावर वन ही है. कमॉन. पावर टू कर दू, एक की फाइव कर दू, एक की सेवन कर दू, एक की एक ही रहने दू, तो हाउ डू यू हैंडल दैट? दैट वी आर गोइंग टू लर्न. इज दैट क्लियर? अब देखो इसको भी मैं अच्छा तरीके से समझाता हूँ ताकि तुम्हें पूरा क्लियर हो जाए. एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो. कुछ लिखना नहीं है, बस मेरे साथ सुनना है. ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. थर्ड एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव होल क्यूब ग्रेटर देन जीरो.
चलो काफी है, और फिर एक और ले लेंगे। ओके फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ। अगर हम इसको नॉर्मल वेवी कर्व की तरह करें तो अंडरस्टैंड वो तो गलत होगा ऑब्वियसली। इसका क्रिटिकल पॉइंट 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट 5, प्लस माइनस प्लस, दिस इज रॉन्ग। कौन बताएगा रीजन? सर होल सर द साइन व्हाट यू मीन द होल स्क्वायर है पूरे प्लस प्लस। सही, बिल्कुल सही बोला है। 5 के अक्रॉस हम साइन चेंज कर रहे हैं, 5 को क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं, तभी ऐसा कर रहे हैं ना? यस सर, यस सर। बट इस क्वेश्चन में 5 के ऊपर पावर इवन है तो उस पे साइन चेंज हो ही नहीं रहा है, भले 5 के राइट में भले 5 के लेफ्ट में। देख लो, कम ऑन, देख लो बच्चों। 5.1 रखोगे तो पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। 4.9 रखोगे तो ये पॉजिटिव, अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है, बट नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया ना बच्चों? यस सर, यस। सो यू टेल मी अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन इज 5 अ क्रिटिकल पॉइंट? हैंडल करने के दो तरीके, तुम बताना तुम्हें कौन सा इजी लग रहा है। टू मेथड्स, एक तो है कि जैसे तुम नंबर लाइन पे बनाते हो, बनाते जाओ, राइट मोस्ट रीजन पे तो प्लस ही आएगा, बट सिंस 5 पे इवन पावर है इसलिए 5 पे साइन चेंज नहीं होगा। 3 पे ऑड पावर है तो ऑड पावर तो जैसे ही पावर 1 की तरह रहता है, साइन चेंज होगा। यहां तक आ गया। अब ग्रेटर देन जीरो है तो ये दोनों रीजन सिलेक्ट करने हैं तुम्हें, x बिलोंग्स टू 3 to 5 और फिर 5 से इंफिनिटी, तो दोनों को कंबाइन करके 3 to infinity कर दिया ऐसे, करेक्ट और नॉट? यस सर, यस सर, यस। नहीं लिखेंगे बट, हाँ बट इसमें क्या कभी कर क्या हुआ बच्चे? सर बट 5 हैज टू बी ग्रेटर देन 0 तो 5 नहीं आएगा ना, इसलिए मैंने क्या बोला कि दिस फर्स्ट मेथड इज नॉट अ गुड मेथड क्योंकि तुम कंफ्यूज होते हो। बट ये बताओ अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है ना? ये सुनो, यस हाँ, तो ऑब्वियसली x बिलोंग टू 3 टू इंफिनिटी लिख दूंगा तो गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि 5 नहीं आना चाहिए, वो मैं अभी समझाने वाला हूँ, इसलिए उसके बारे में अभी मत पूछ, कोई डाउट नहीं पूछेगा, जितना मैं समझाऊ उतना पूछेगा। इज दैट क्लियर? यस यस। तो दिस इज नॉट द फाइनल आंसर बट ठीक है, तो भी अभी एक बार मान लो यही है। मेथड टू इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने का, मेरे साथ सुनना, x माइनस 5 तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कम ऑन एग्री करो? यस सर, यस। आई नो जीरो भी हो सकता है बट कम ऑन नेगेटिव तो नहीं हो सकता, एग्री करो? नहीं सर, नहीं सर, नो सर। तो हमेशा पॉजिटिव अभी के लिए बोल रहा हूँ, बाद में कवर कर लेंगे इक्वल टू जीरो वाला। आर यू विद मी? यस सर। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो प्रॉब्लम क्या है इसको, तो मैं राइट साइड में ले जा सकता हूँ, कम ऑन एग्री करो? यस सर, व्हाई डोंट वी टेक, तुम खुद बताओ, कभी ऐसा एक फैक्टर होता है तो तुम उसको राइट साइड में ले जाके जीरो से डिवाइड करके उड़ा क्यों नहीं देते हो? यू टेल मी द रीजन। क्या हमको एक्स वैल्यू नहीं पता? एक्स वेरिएबल है इसलिए नहीं, एक्स, हाँ क्योंकि एक्स माइनस 4 इज अ वेरिएबल, यू एग्री करो? x माइनस 4 का हमें साइन नहीं पता, पॉजिटिव नेगेटिव, तो साइन चेंज करना है या नहीं करना है हमें नहीं पता, और वही तो पता करना है, एग्री करो? यस सर, यस सर। अब तो एग्री करोगे कि ये फैक्टर तो हमेशा पॉजिटिव है? हाँ सर, यस सर। तो कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई इट, कैन आई टेक इट टू द राइट साइड? बिल्कुल ले जा सकते हो, यस सर, जीरो डिवाइडेड बाय ये बिल्कुल कर सकते हो, इसको टाटा बाय बाय कर सकते हो ना? देखो अभी तक के लिए तो दोनों का आंसर सेम ही आ गया, कम ऑन। यस सर, अभी ये दोनों का आंसर फाइनल आंसर थोड़ा सा गलत है, वो अभी सही कर देंगे, बट क्या सबको फील आ रही है कि हम सेकंड मेथड से हमेशा करेंगे सबसे? बिल्कुल क्लियर? यस सर, वी आर गोइंग टू यूज सेकंड मेथड, मतलब कोई भी पावर इवन पावर देखेंगे तो उसको टाटा बाय बाय करेंगे। आर यू विद मी? यस सर। अब एक छोटी सी गलती क्या है, अनुश्री बताएगी, अनुश्री पूछ रही थी ना बीच में डाउट? सर मैं पूछ रही थी आदिति। हाँ आदिति बोल, आदिति क्या गलती है इसमें बता? सर अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर 5 नहीं होगा क्योंकि फॉर अगर 5 माइनस 5 स्क्वायर विल बी 0 दैट। बिल्कुल करेक्ट। तो व्हाट डिड आदिति से, सबको सुनाई दिया? यस सर, सिमिलरली 3 का भी आएगा ना? अभी रुक जाना भाई यार,
थ्री की तो बात ही मत कर, थ्री तो ओपन में ही लिखा हुआ है, मैंने थ्री पे क्लोज लिखा है क्या? है कार्टून? हाँ, सो व्हाट आई एम, अब कोई बीच में डाउट नहीं पूछेगा क्योंकि फिर कंफ्यूजन होता है. सो एक्स इक्वल्स टू फाइव फाइनल आंसर में आएगा या नहीं आएगा, बस ये बता दो मुझे. ऑल ऑफ यू नहीं, क्योंकि एक्स को फाइव रखूंगा तो ये वाला फैक्टर जीरो हो गया. जीरो इनटू एनीथिंग इज जीरो. इज जीरो ग्रेटर देन जीरो, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. अरे जीरो क्या, जीरो से बड़ा होता है क्या कार्टूनो? नहीं ना. हाँ तो फॉल्स मतलब x equals to 5 will be present in the final answer or should not? Should not. हमारे आंसर में आ रहा है तो 5 हटाना पड़ेगा ना बच्चों? Yes sir. Yes. Yes, obviously, ऐसे हटा सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं x belongs to 3 to 5 open union 5 open to infinity. Agree करो बच्चों? Yes sir. Yes sir. Yes. तो अब मैं summarize कर रहा हूँ, सुन लो. मेथड वन तो भूल जाओ, हम ऐसे करेंगे ही नहीं. मैंने सिर्फ इसलिए बताया, कहीं बुक्स में तुम देखो कि दो लगातार प्लस या दो लगातार माइनस तो उसका मतलब इवन पावर वाला टर्म होता है. इज दैट क्लियर? यस. बट हम मेथड वन से करेंगे या मेथड टू से? मेथड टू. तो हम बोलेंगे कि जैसे ही किसी इवन पावर वाले टर्म को देखेंगे तो हम लिखेंगे दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, greater than zero. What should I write? Greater than equal to zero, or greater than equal to zero, or greater than zero? Greater than zero. Greater than zero. Equal to नहीं होगा क्या कार्टून? हो क्या यार? It will be greater than equal to zero. अब बताना पड़ता है इनको यार. X minus five का whole square ये greater than zero होता है या ये greater than equal to zero होता है बच्चों? Greater than equal to zero. अगर किसी को डाउट है तो x को 5 रख दो. देखो जीरो आ रहा है ना भाई? यस सर. तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है. आर ऑल ऑफ यू विद मी? यस सर. सो अगेन समराइजिंग, अगर कोई फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मतलब पॉजिटिव भी है या इक्वल टू जीरो है तो बिल्कुल उसको टाटा बाय बाय कर दो. बट उसी स्टेप पे लिख दो जैसा हम डिनोमिनेटर के लिए लिखते हैं कि x कैन नॉट बी 5. क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 है. कम ऑन, एग्री करो? यस सर. अभी कोई भी डाउट होगा तो डाउट पूछना नहीं है, सिर्फ यस और नो करना है ताकि तुम इंटरेक्टिव रहोगे. जैसे आ जाओ देखो, कैन आई से सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है? यस सर. यस सर. अब बताओ, मैंने जो सिखाया उसके हिसाब से क्या थॉट प्रोसेस चलना चाहिए? आंसर नहीं चाहिए, थॉट प्रोसेस. सबसे पहले क्या तुमने देखा, क्या ऑब्जर्व किया? पावर इवन है. पावर इज इन इवन. वेरी गुड. पावर इवन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, करेक्ट? यस यस. तो इसे राइट कर दो. तो फिर टाटा बाय बाय. बट एक्स इक्वल टू फाइव के बारे में डिसाइड कर लेते हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, करेक्ट ना? यस सर. सिंस यहाँ पे इक्वलिटी है इसलिए एक्स इक्वल टू फाइव कुछ भी कर लो फाइनल. मेरे को बोलने दे, अब कुछ भी कर लो x equals to 5 फाइनल आंसर में होना ही चाहिए. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. मतलब व्हाट आई जस्ट सेड इज इवन पावर टर्म को एलिमिनेट करो, बट उसके साथ साथ लिखना है तुम्हें कि x 5 हो सकता है या नहीं हो सकता है, दोनों ही केसेस में लिखना है. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. तो एक और क्वेश्चन इसके साथ ही बना रहा हूं मैं. x माइनस 7 into x minus 5 का whole square is greater than 0. चलो यहाँ भी फटाफट बता दो. Again greater than equal to 0. Tata bye bye. But x equal to or x not equal to 5? Equal to 5. अब second को वापस complete करते हैं, फिर third पे आएंगे. तो इसको उड़ा दिया तो can I say question में तो इतना ही बचा है ना अभी तक? Yes. Yes sir. Yes sir. So x greater than equal to 3, that is x belongs to 3 to infinity is the answer. फिर मैंने इसका ध्यान रखा, but obviously 5 already present है, so this is the final answer. Agree करो all of you? Yes. Yes sir. 5 को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 5 already present है. Agreed all of you? Yes sir. Yes sir. Yes sir. But अब third पे आ जाओ. चलो उसको टाटा बाय बाय कर दिया greater than equal to के कारण, x equal to 0 लिख दिया इस equality के कारण.
अब क्वेश्चन आ गया x माइनस सेवन ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन, सो इज द फाइनल आंसर सेवन टू इनफिनिटी? बट फाइव नहीं है इसलिए कर्ली ब्रैकेट फाइव। आपको याद आ गई चीजें? तो क्या ना इसे इवन पावर को हैंडल करने का तरीका सबको समझ में आ गया? तो मुझे बिना देख के समराइज करो, क्या करोगे सबसे पहले इवन पावर को देख के? एलिमिनेशन। मुझे यहाँ पे बताओ ये रहा क्वेश्चन, चलो देखो इधर। हाँ, इवन पावर को देखते ही क्या लिखोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टाटा बाय बाय, करेक्ट ना? टाटा बाय बाय। यस सर। अब उसके साथ कुछ करना है या आगे बढ़ जाऊं? x इक्वल टू या x नॉट इक्वल टू लिखोगे, करेक्ट और नॉट? इक्वल टू। मुझे हाँ मुझे बोलने दे, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन होता तो क्या करोगे? नॉट इक्वल टू। बट अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या? यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. तो बेबी कब की तरह सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर में सिक्स नहीं है तो इंक्लूड कर लेना, क्लियर है ना? Yes. Yes, sir. चलो कॉपी कर लो इवन पावर वाली चीज, फिर ऑड पावर का बताता हूँ, पहले ये कॉपी करो तीनों एग्जांपल्स। ओके भाविका, तो रिकॉर्डिंग देखना बच्ची, वापस नहीं बता पाऊंगा इतना। ओके सर, थैंक यू। थोड़ा देखना लास्ट नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। आज के आज मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, रिमाइंडिंग ऑल द स्टूडेंट्स अगेन, आज के आज ग्रुप ज्वाइन कर लेना। So I have a doubt. Let me ask, then you can ask. Have you looked at it? Let everyone copy, then I'll ask you to ask. So apne words mein agar note likhna ho to likh dena yaar. You should write on your own. We should eliminate even power terms, but at that same time. So can you scroll up? No. मतलब क्या बच्चा कितना selfish है, मैं यहाँ कुछ note लिख रहा हूँ तो बीच में मेरे को scroll up करने के लिए बोल रहा है। सर देखा नहीं, zoom in किया था मैंने, sorry. We should eliminate even power terms, but at the same time ensure that critical point should or should not be present in the final answer. Example, x minus 3 upon x minus 6 whole square greater than 0, x minus 3 into x minus 6 whole square greater than equal to 0. यहाँ पे उड़ा दो, x कैन नॉट बी सिक्स, यहाँ पे उड़ा दो, x हैज टू बी सिक्स। बताओ आप तो क्लियर है ना बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, ऊपर से कॉपी कर लो, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर नोट लिखा दूंगा। Yes, now any doubt? No, sir.
सो कैन आई आस्क हां बच्चे बोलो ना कोई भी डाउट एनी डाउट सर थर्ड एग्जांपल में हमने लिखा है x 7 टू इंफिनिटी सो सर हम यहां x is equals to 5 है तो हम यहां 5 टू इंफिनिटी क्यों नहीं लिख सकते क्योंकि फिर 7 भी उसमें आ जाएगा तेरी आज फर्स्ट क्लास है यस सर हां अच्छा 5 टू इंफिनिटी देखेंगे तो उसमें 5.1 भी आ रहा है ना हां पर तेरे फाइनल आंसर में 5.1 चाहिए हमें या नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो फिर नहीं लिख सकते ना बच्चे सर ये कुछ आपने u क्रॉस 5y लिखा है 5y ने लिखा है ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करा है नालायक सॉरी सर क्या मतलब है सुन ले बच्चे 7 टू इंफिनिटी की सारी वैल्यूज और सिर्फ 5 चाहिए सिंस हमें 5 से बीच की वैल्यू कोई नहीं चाहिए 5.1 5.12 5.3 5.9 नहीं चाहिए इसलिए ये नहीं लिख सकते गॉट इट यस सर फर्स्ट क्लास के नोट्स देखना ये सब समझा रखा है फर्स्ट लेक्चर एनीबडी एल्स ओके चलो अब शॉर्ट में मुझे बता सकते हो या नेक्स्ट क्लास में करें मेरे ख्याल से कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में हम रिविजन करेंगे उसका कंटिन्यू करेंगे व्हाट शुड आई डू अबाउट ऑड पावर टर्म्स साइन चेंज कर सकते हैं एनीबडी एल्स एग्जांपल देखो मैं दिखा रहा हूँ एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव का होल क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये ऑड पावर है ना बच्चों yes. Yes, sir. क्या तुम ऑड पावर पहले नहीं कर रहे थे ऑड पावर पहले भी कर रहे थे यार हर जगह पावर वन कर रहे थे वन इज ऑड ही है ना एक तरीके से yes, sir. Yes, sir. तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है जैसा वन के लिए करेंगे वैसा ही थ्री के लिए करेंगे कम ऑन यस यस सो यू टेल मी इज फाइव गोइंग टू बी अ क्रिटिकल पॉइंट हियर इफ यू से यस दैट मींस साइन चेंज होगा यस सर बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा बिल्कुल सही जा रहे हो सो अगर ऑड पावर है तो क्या करना है कुछ नहीं करना है क्या ये सबको समझ में आया ट्रीटेड एज अ नॉर्मल पावर वन क्वेश्चन कम ऑन जल्दी से एग्री करो क्योंकि इफ इट इज ऑड पावर हमें ये नहीं पता करना है कि बच्चों एक्स की वैल्यूज कैसे चेंज होगी हमें बस पता करना है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए दिस इज पॉजिटिव कम ऑन एग्री करो Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, x को अगर मैं 5.1 रखूंगा तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव है देखो ये प्लस साइन x को मैं 4.9 रखूंगा तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इसलिए ओवरऑल नेगेटिव है तो ऐसा तो किसी भी ऑड पावर के लिए सेम ही होगा ना भले पावर 1 है या पावर 3 है या पावर 5 है या पावर 7 yes, है हाँ है ना बच्चों yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कैन आई से ऑड पावर है तो क्या करना है बताओ व्हाट डू यू हैव टू डू ट्रीट इट एज पावर वन कम ऑन बताओ इनफ है ये यस सर एवरीवन कन्विंस कि उसको पावर वन की तरह ट्रीट करना है मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट होगा या नहीं होगा होगा इट विल बी अ क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्टली नंबर लाइन पे जाओ साइन चेंज करो बिल्कुल क्लियर एवरीबॉडी Yes. Yes, yes. Sir. अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में इसी का रिवीजन करके कंटिन्यू करेंगे तो अगर ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा ही होगा पावर 7 ग्रेटर देन 0 बताओ 5 पे साइन चेंज होगा ना बच्चों हाँ सर यस सर उस पे ऑड पावर है इस पे भी ऑड पावर है तो वापस साइन चेंज कर दो ग्रेटर देन 0 प्लस वाले रीजन आंसर में ले लो सिंपल इनफ एवरीबॉडी Yes, sir. So, please note down odd power term. Note down karo. Second point, odd power term. Even or odd पे मैं अभी practice sheet के questions नहीं दूंगा. ये हम next class में और continue करेंगे. फिर इसकी practice दूंगा. सबको clear? Yes, sir. Yes. Okay, practice sheet, I'll send it on the group tomorrow, not today. आज तो मैं सिर्फ notes share करूंगा, तीनों lecture. Is everybody clear? Yes, sir.
पहले अपने सेंटर मैनेजर के थ्रू ग्रुप ज्वाइन कर लो, अगर रात को 8 बजे तक नहीं होता है तो फिर मुझे मैसेज करना। सबने सुन लिया? Yes, और अपने सेंटर मैनेजर को क्या बोलोगे? मैथ का जीकेएम सर का व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए। सबने सुन लिया? हाँ। बैच का नाम हमेशा लिखा करो, एमईपी 2 या फ्लैगशिप 3, दोनों में से कुछ भी बोल देना, मैं समझ जाऊंगा। एमईपी 2 या फ्लैगशिप 3। अब बताओ किसी को कुछ पूछना है? अदरवाइज यू कैन गो, टुडे लेक्चर इज डन। सर,